हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके हम लोगों ने चार पार्ट्स पढ़े हुए हैं, ये आपका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब कि वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ रिवील दैट एवरी सेल पॉजेस थ्री बेसिक फीचर्स इन कॉमन, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हैं उनसे ये रिवील हुई, ये बात पता चली है कि जितने भी सेल्स हैं उसमें ये थ्री बेसिक फीचर्स तो होते ही होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फीचर्स, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद द एनवायरनमेंट इज़ पॉसिबल। मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से ही जितनी एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं वो सारी पॉसिबल होती हैं, और इन्वायरमेंट से इनका इंटरेक्शन भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जाना कि तीन चीज़ें होती हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीन चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दिस इज द आउटर मोस्ट लिविंग थिन एंड डेलिकेट कवरिंग ऑफ अ सेल। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये अगर कोई सेल है तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है जो कि कैसी होती है? लिविंग होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है जो कि लिविंग होती है, ठीक है। उसी सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग होगी जो कि लिविंग होगी, उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स, जितनी भी चीज़ें पाई जाती है किसी भी सेल के अंदर, उन सारे कंटेंट्स को, उन सारी चीज़ों को, उन सारी मतलब स्ट्रक्चर्स को, और जैसे मान लो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म होता है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, जैसे कि फॉस्फोलिपिड होता है, एक एग्जांपल इसका लिया जाए, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से, जैसे कि फॉस्फोलिपिड एक इसका एग्जांपल है, इनकी प्रेजेंस की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और वो रिलैक्स भी कर सकती है, ठीक है। इट इनेबल्स सेल टू इंगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इन लोगों की वजह से क्या होता है कि सेल में कोई भी फूड, मतलब सेल अगर चाहे तो किसी भी तरीके का फूड क्या कर सकती है? इनगल्फ कर सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे कि दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया जाता है एंडोसाइटोसिस का, तो अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये आपका अमीबा है, ठीक। तो इनमें क्या होती है, यही जो होते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये हैं आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहीं पे जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो यहाँ पे इसके यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के पास आकर इसी के द्वारा, इसी दोनों पार्ट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से ही इनगल्फ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी को यही जो आपका प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एंडोस्मोसिस, ठीक। तो देखिए, अगली बात हम लोग करते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्यों है हमारी सेल्स में, उनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि
इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि सेल्स के अंदर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किस मटेरियल की ज़रूरत है और किस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो क्या कर देता है, वो इनकी वजह से ही वो सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगे और इन्हीं की वजह से ही सेल में आ जाएंगे। ठीक है, ये इनका फर्स्ट वर्क होता है। दूसरी वर्क बात करें तो इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। मतलब सेल की शेप को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट। मतलब ये क्या करता है, ये मैकेनिकल बैरियर की तरीके काम करता है जो कि मतलब सेल्स के इंटरनल कंटेंट को बाहर निकलने से रोकता है, मतलब कि बाहर निकलने नहीं देता है जितनी भी चीज़ें सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं और जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी सेल्स को नुकसान पहुँचाएंगे, उनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एग्जांपल माइक्रोविलाई इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब ये क्या कर सकता है, ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकता है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकता है अलग अलग तरीके के फंक्शंस को, अलग अलग तरीके के कार्यों को करने के लिए। जैसे कि इंटेस्टाइन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग के, तो वो क्या करने लगती हैं, माइक्रोविलाई इन द मतलब माइक्रोविलाई जो होती हैं वो क्या करने लगती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करने लगती है। ठीक है, ये भी एक तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इट्स सेमी परमेबिलिटी इनेबल्स द सेल टू मेंटेन सेलुलर होम्योस्टैटिस। मतलब इनकी जो सेमी परमेबिलिटी होती है, अर्ध पारगम्यता, ठीक है, सेमी परमेबिलिटी को कह सकते हैं, हम हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्यता। मतलब कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो जाएंगी, जो नहीं इम्पॉर्टेंट है वो नहीं जाती हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है ये क्या कर देती हैं, ये ऐसे फैक्टर्स को सेल्स में भेजती हैं जो कि सेल्स को क्या बना देते हैं, हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस लिस्टेड अबव द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मतलब जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इसमें ऊपर, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि कौन से सब्सटेंस को अंदर आना है, कौन से सब्सटेंस को बाहर जाना है, मतलब कौन सा सब्सटेंस मतलब उनके लिए नुकसानदायक है और कौन सा फ़ायदेमंद है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने आज पढ़ लिया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे हम लोग इसमें बात करेंगे यहाँ से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग पढ़िए, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।